أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. आज जो दर्स आपके सामने पेश किया जा रहा है वो दावत व तबलीग के ज़िम्न में बहुत ही अहम दर्स है। दरअसल ये आज की जो नशिस्त है इस ताल्लुक़ से मुझे बहुत पहले से कहना चाहिए था और अपनी नशिस्तों में अपने दोस्त अहबाब के साथ मैं इस बात को जो है शेयर करते आया हूँ मैं, और तदरीस के दौरान भी इस फ़िक्रा को मैं खूब से खूब ज़िक्र किया हूँ। लेकिन चाह रहा था कि इस फ़िक्रे से मुतालिक मैं कुछ तफसीली गुफ्तगु करूँ और इसको रिकॉर्ड करके हमारे दोस्त अहबाब को भी भेजूँ। तो आज का जो दर्स है वो ये है कि हम जो मज़ामीन लिखते हैं या हम जो दुरूस देते हैं या जुमा के खुतबे देते हैं इस ताल्लुक़ से मौजूआत कैसे होने चाहिए। बुनियादी तौर पर ये बात पेश नज़र रहे कि हम आलिम दीन हैं, शरीयत के तालिब इल्म हैं, अल्लाह ताला ने हमें जिस मैदान में चुना है ये बहुत ही अजीम मसूलियत का मैदान है, संजीदगी का मैदान है, बहुत शोर हमारे अंदर होना चाहिए। हम आम स्कूल्स में या जो है किसी और शोबाजात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं बल्कि खालिस दीनी तालीम हमारा शोबा है, उसी से हमारे हम जुड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर एक तरह की संजीदगी होनी चाहिए, मसूलियत होनी चाहिए, हर जहत हमारी नज़र होनी चाहिए कि दावत व तबलीग के लिए दीन के लिए हमें किस तरह से रहना चाहिए। देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मेरा अपना एक तज़िया है कि पिछली एक सदी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके इश्तहारात हम देखते हैं, कदीम भी जदीद भी, आज के भी जो इश्तहारात हैं आप देख सकते हैं, उनमें जो मौजूआत होते हैं कम व बेश मिले जुले मौजूआत होते हैं। हिंदुस्तान का जो माहौल है आज़ादी से पहले का, बरसग़ीर का, अगर आप देखें दिल्ली और क़ुर्ब जवार के आसपास के बड़े इलाक़ों में कुछ मजहबी तौर पर यानी एक तरह का जो है तसादुम था, उससे हटकर के मसलकी जो तसादुम था वही इम्तियाज़ी मसाइल अहनाफ़ और अहले हदीस के, इसी से मुतालिक गुफ्तगू, इसी से मुतालिक तहरीरें आप देखेंगे कि जो है मतलब जो अहले हदीस और अहनाफ़ के जो इम्तियाज़ी मसाइल हैं तरफ़ैन से जो रसाइल आए हैं वो यानी 100-200 से ज़ायद हैं। अगर उसका एहसास अगर आप करें, देखें कहीं जा कर के, वही दलाइल वही मजामीन कुछ कुछ फ़र्क के साथ। किसी ने आज किताब लिखी तो हूबहू उसका भी एक जवाब, मसाइल वही दलाइल वही। इस सिलसिले में कुछ किताबें अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत ही मुअसर होती हैं, वरना एक बड़ी तादाद में इस तरह की किताबें बस खाना पूरी। तो ये एक तरह का बस नकद नहीं है, एक तरह का दर्द है। ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हम जो मौजू इख्तियार करते हैं वो बहुत ही अहम होना चाहिए। आप देखिए हम किसी एक मसले के नुमाइंदा नहीं हैं बल्कि इस्लाम के नुमाइंदा हैं। इस्लाम में जो मौजूआत हैं उसका कोई एहसास नहीं कर सकता, उसका कोई शुमार नहीं कर सकता। हाँ ये और बात है कि हम हालात देखें, वक्त देखें, ज़रूरत का तकाजा क्या है वो देखें, ये ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम की नुमाइंदगी हर जहत में होनी चाहिए। कदीम ज़माने की अगर बात करते हैं तो आप देखो जब से एक तालीफ़ात का जो दौर शुरू हुआ है कदीम ज़माने के जो दुरूस हैं वो हमारे सामने नहीं हैं, इल्ला है कि वो दुरूस तहरीरी शक्ल में आ चुके हों तो फिर अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा है। तो उमूमी तौर पर हमारे उलमा के दुरूस भी अल्लाह सुबहान व तआला ने तहरीरी शक्ल में महफूज रखा है। तो ये जो हम देखते हैं किताबें कदीम ज़माने से, आप देखिए उलमा ने हर मैदान में काम किया है, हर मैदान में,
अगर आप मुतून को उठा करके देखें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी या कुतुब सित्ता के अलावा भी जो दीगर हदीस की किताबें हैं, आप देखिए उसमें हर बाब में आपको वाफिर मिकदार में मवाद मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि किताबुल ईमान में बहुत ज़ोर दिया गया है और कोई और किताब बिल्कुल जो है मतलब खाली है, ऐसा नहीं है। आपको तकरीबन वही मवाद मिलेगा। हालांकि हम देखते हैं कि अहादीस सही बुखारी का अगर खासकर मुताला करते हैं तो जो अहादीस आप देखें किताबुल ईमान, किताबुस्सला, किताबुज़्ज़कात में होंगे, उन्हीं अहादीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तकरीबन फैलाया है। उसे आपने एक अनोखे अनोखे मसाइल आपने सामने रखे हैं। तो हर जहत पे हमारे कदीम उलमा ने काम किया है। चूँकि हमारा वो मुस्तवा नहीं है, हम चूँकि उतना उतनी वसी नज़र नहीं रखते हैं तो हमें उसकी खबर नहीं है। वरना अगर आप उलमा की तहरीरें देखें साबिक में, कदीम ज़माने में, तो सुभान अल्लाह यानी आदमी शज़दर रह जाता है, हैरान हो जाता है। अगर आप हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम, हाफिज़ इब्नुल तैमिया, जो बिलखसूस 8वीं सदी हिजरी में यानी अल्लाह ने एक अजीब सी शोहरत आपको दी, मकबूलियत आपको अता की, आपकी तहरीरें एक नज़र, सरसरी नज़र सुरात के साथ आप डाल करके देखिए, यानी दीन का कौन सा शोबा है जिस पर आपने गुफ्तगु नहीं की। किसी एक दो मसले पर आप फैला के लिखते होंगे, लेकिन आपने हर हर मौजू पर आपने कलम उठाया। हाफिज़ ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह के बारे में तो यहाँ तक मारूफ है कि हदीस का कोई शिख, कोई जुज़ आपने छोड़ा नहीं है। आपने मतलब हर 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 बाब में आपने कलम उठाया। तो हम आपको अभी ये बतलाएँगे कि किस किस तरह के मौजूआत पे हम काम करना चाहिए, मौजूआत कैसे कैसे होने चाहिए। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि हमारे सलफ़ ने मतलब जो किया हमको वो करना है। इस मैदान में भी हमें मतलब मुकम्मल तौर पर जो है सलफ़ की हनी से हम आहंग होना ज़रूरी है, तर्ज तालीफ़ात में भी, दुरूस में भी। तो उनके पास ये मामला था कि आप अनोखे अनोखे मौजूआत देखेंगे। हाफिज़ इब्न हजर की मैंने बात की रहमतुल्लाह, उस दौर के आसपास के मुख्तलिफ उलमा को देखिए आप, यानी कोई शोबा आपने छोड़ा नहीं और हर हर जहत पे आपने काम किया। 9वीं सदी हिजरी के आगाज़ पे हाफिज़ सियूती रहमतुल्लाह को देखो आप, मौजू आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मतलब आपने कौन सा मैदान छोड़ा आपने, माशाल्लाह, यानी आपने हर जगह पर तबाह आज़माई की। यह और बात है कि आप हातिबुल लैल कहलाए अहले इल्म के नज़दीक, कि आपने रतब व याबी सब जमा किया, लेकिन आपने कोशिश की कि मतलब सलाहियतें जो अल्लाह ने अता की हैं हर मैदान में लिखें, हर मौजू से मुतालिक लिखें, हदीस से, शरह से, तफसीर से मुतालिक, उलूमुल कुरान से मुतालिक, उसूल हदीस से मुतालिक, फ़िक्ही मबाइस अगर आप देखें आप, फिर जो है दीगर उलूम व फ़नून उस पर भी आपने लिखा है। हमारा जहन खोलने के लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप जो है कशफुल ज़ुनून उठा करके देखिए। कशफुल ज़ुनून मुताखिरीन उलमा में से हैं वो। उन्होंने जो मौजूआत तरतीब दिए हैं, उलमा की जो तसनीफ़ात हैं, आप देखिए कितने मौजूआत, यानी ताज्जुब करेंगे आप, एक मौजू पर कितनी किताबें हैं वो एक अलग मबहस, लेकिन मौजूआत को जो आपने बांटा है, कशफुल ज़ुनून इसी से मुतालिक तो किताब है। आप देखिए इन्हीं कितने मौजूआत बन सकते हैं, कितने अनामीन बन सकते हैं। फिर उस पर अलग अलग जहद से काम किया गया है, ये एक अलग शिक है, उसको समझाने के लिए फिर अलग से वक्त लेना पड़ेगा। लेकिन सरदस्त ये बता रहा हूँ कि जो है जो मौजूआत इख्तियार किए गए हैं अहले इल्म ने, वो कितने, उनको बांटना पड़ा कई हिस्सों में कि इस मौजूआत पर भी किताबें हैं, इस मौजूआत पर भी किताबें हैं। सुभान अल्लाह, यानी उस पर और भी काम किया जा सकता है, इस कदर काम किया गया है। तहरीर की भी अगर बात करें, दुरूस की भी, जैसे कि मैंने कहा कि दुरूस को अल्लाह सुभान व तआला ने महफूज रखा, शेख इब्न उसैमीन को, शेख अल्बानी को इस दौर में देखो आप, आपके जो दुरूस हैं वो सब के सब दुरूस तहरीर में आ चुके हैं, मौसूआ बन गया है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह के जो फतावे, जो ऑडियो थे, आज वो पूरे मतलब तहरीर में आ चुकी हैं। तो लेकिन इस पर जो मैं तरकीज जो कराना चाहता हूँ ये कि जो है सलफ़ ने इस पर कायम रहे हैं और हमें इस तरह का एक जो है मतलब रास्ता बतलाया है कि दीन के हर शोबे में काम किया जाना चाहिए। तो ये एक बुनियादी बात रही मेरी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जैसे कि मैंने बतलाया, देखिए कुछ अवामिल थे और मानना पड़ेगा कि मुसलमानों की जो दीनी हालत कमज़ोर थी, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो अकीदे की हो, चाहे वो मामलात की हो, तो उन सब पे ज़ोर दिया गया। तो कुछ ख़ास मौजूआत हम देखते हैं कि सलफ़ी उलमा के दरमियान तौहीद है, शिर्क के रद में है, इत्तिबाए सुन्नत है, तकलीद के रद में है, या जो है मतलब इस तरह के मौजूआत हम देखते हैं। और एक बड़ा मौजू जिसकी इतनी वसअत है कि उसे सुकेड़ा नहीं जा सकता, इस्लाह मुआशरा एक अहम मौजू और मरकज़ी मौजू रहा है। लेकिन बस मैं एक जो बात बताना चाहता हूँ आपको वो ये साफ़ लफ्ज़ों में कि ये इन्हीं मौजूआत पे हम जो काम करते हैं, यानी चलो ठीक है, हम माजी के उलमा के लिए एक उज़ूर तलाश कर सकते हैं कि आज तक उनके लिए ऐसे मबाहिस की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अभी कुछ चूँकि इल्मी हलकात लग रहे हैं,
नौजवानों में की एक बड़ी तादाद, बुज़ुर्गों में से भी एक बड़ी तादाद संजीदा होकर के दीन इल्म हासिल करने के लिए बैठ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे मौजूआत भी मुतनव्वे होना चाहिए। यानी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि दीन का मतलब जो शोबा है, मतलब कितने शोबे बन सकते हैं, कितने हिस्से हैं इसके, किस किस जहत पे हम काम कर सकते हैं। हम अल्लाह से तौफीक मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें इल्म अता करेगा। मैं यूरी दिल्ला हु भी खैर युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, सही बुखारी की हदीस, मारूफ हदीस, हदीस मुआविया किताबुल इल्म की। तो अल्लाह ताला हमें फ़िक़्ह अता फ़रमाए, अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए, तो हम सोचो विचार से काम लेंगे तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक मिसाल सिर्फ समझने के लिए, मिसालें बहुत हैं सिर्फ जानने के लिए। फ़िक़्ह दावा फ़ी सहीहिल इमाम बुखारी, डॉक्टर सईद इब्न अली इब्न वहफ अल क़हतानी हफ़िज़हुल्लाह। आमतुन्नास उन्हें सिर्फ इतना जानते हैं कि वो सही मुस्लिम से हसन मुस्लिम के मुसन्निफ़ हैं। हसन मुस्लिम छोटी सी दुआओं की किताब है, उसे आपने तरतीब दिया है, हम इतना ही समझते हैं और आमतुन्नास तो यही समझती है। उनकी जो फ़िक़्ह दावा है फ़ी सहीहिल इमाम बुखारी दो जिल्दों में, आप देखिए एक साथ तीन चार उलमा ने काम किया है। मैं एक एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आप उसकी उसकी जो फहरिस्त है उस पर एक नज़र डालिए, दंग रह जाएंगे। अमूमी तौर पर दावत तबलीग के मैदान में जो असहाबे इल्म भी हैं और आम नौजवानों का तबका भी बकसरत है, मैं असहाबे इल्म की भी अगर हम बात करते हैं तो दावत तबलीग के सिलसिले में भी किस कदर मतलब एक तरह से तंग मतलब यानी दायरा है इसमें कि हम कुछ ही मौजूदात पर पूरी ज़िंदगी दावत तबलीग के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। दावत तबलीग आप एक फहरिस्त पढ़ के देखिए, आपका जहन खुलेगा, कितने मौजूदात हो सकते हैं। ऐसे मालूम होता है कि बस एक दावत व तबलीग का एक हिस्से में अगर इतने सैकड़ों मौजूदात बन सकते हैं, सैकड़ों लफ्ज़ लिखिए, मैं ऐसी मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, सैकड़ों तो सैकड़ों, अब दंग रह जाएंगे इस कदर मौजूदात, सुभान अल्लाह। और ऐसे भी नहीं कि मौजू आपके लिए एक नया रहेगा और उसमें सिर्फ दो जुमले में लिखे रहेंगे, ऐसे नहीं, उसमें आपको सफहात मिलेंगे, ताज्जुब की बात है। ये मुख्तलिफ फैला के लिखे, अगर उसे आप जमा कर दें तो जो है मतलब सफहात बन जाते हैं। तो ये अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी वसात रखी है। तो ये मेरे कुछ तमहीदी बातें थी समझाने के लिए आपको कि जो है मतलब हमारा दायरेकार बढ़ना चाहिए। इसके लिए कुछ अवामिल भी हैं, जैसे एक तो हम अल्लाह से तौफीक मांगें, अल्लाह से हम दुआ करें और हम कुछ संजीदा हों, कुछ तफक्कुर से काम लें कि सोचें कि भाई इस पर काम करना चाहिए, ये भी एक मैदान है, ये भी एक मौजू बन सकता है, उम्मत को और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। हम क्या करते हैं कभी कभार उजलत में, हम देखते हैं कि आम मतुन्नास को जो लोग प्रोग्राम रखते हैं कि एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं इस्लाह मुआशरा पर, ठीक है, उनके लिए हम उजर तलाश करते हैं, हम उसी सतह पर उतर जाएँ, ठीक है, हम इस्लाह मुआशरा मौजू तो ले लेते हैं, उसमें कितनी चीज़ें बन सकती हैं हम वो लें। इंशाल्लाह मैं आपको अनामिन दूंगा बिइज़्निल्लाह ताला कि अगर हम इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक भी नहीं, कई हम ऐसे मौजूआत तरतीब दे सकते हैं जिस पर गुफ्तगू नहीं हुई है, गुफ्तगू होने की ज़रूरत है, काम होने की ज़रूरत है और उम्मत मोहताज है उनकी, तीन चार मौजूआत ही कि नहीं, कई मौजूआत बन सकते हैं, मैं आपको दूंगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो इस पर थोड़ा तफक्कुर से काम लेने की ज़रूरत है और मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत है। हम एक उनवान लेते हैं उससे मुताल्लिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, खंगालें शरीयत को, पढ़ें, एक से दस किताबें खोलें और जो है अल्लाह से तौफीक भी मांगें और ख़ुद अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें अता की हैं नुसूस को हम खुद इकट्ठा करें, हम खुद तरतीब दें, फिर उसके बाद उनकी शुरुआत, उनकी तफासीर और उस तरफ जाए हम, तो हमको और दसियों चीज़ें मिल जाती हैं। हम रिजाल की किताबें पढ़ते हैं, जो हम मौजू लेते हैं उससे मुतालिक कई रिजाल में आपको वाक़ियात मिल जाते हैं, दिलचस्प वाक़ियात रहेंगे, सही वाक़ियात रहेंगे, अनोखे वाक़ियात रहेंगे, आप जो है मतलब वाक़ियात में तनव्वु लाएगी, वही मौजू है उसमें अगर आप तीन चार वाक़ियात जो है जमा कर देते हैं तो एक ताज़ा मौजू बन जाता है। तो ये थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, कुछ मेहनत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उम्मत के लिए बहुत मुफीद बन सकते हैं और जिससे उम्मत का जो 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 सोचने की जो सतह है वो काफ़ी बुलंद होगी, ऊंची होगी और मालूम होगा कि इस्लाम आफाकी मज़हब है, आलमगीर मज़हब है, इसका दायरा मतलब बहुत फैला हुआ है। तो गोया कि पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ कुरान खिताब करता है, गोया कि आप ज़िंदगी के एक एक जुज़ से मुतालिक वाफिर मालूमात दी हैं इस्लाम ने, हम ये साबित करें, जिससे बहुत मुस्लिम माशरा खासकर मॉडर्न दौर में यानी जो इस तरह के मुसलमान हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारे ताल्लुक से गलत फहमी के शिकार हो गए हैं कि इस्लाम पाँच छः मौजूआत का मजमूए का नाम है, ऐसा उन्होंने समझ रखा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा है, हमने साबित किया है इस तरह से। हम बतलाएँ कि कितने मौजूआत बन सकते हैं, किस किस ढंग से, किस किस रंग से हम काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दो तीन नुस्खे बतलाता हूँ कि काम की नौयतें क्या होती हैं। काम की कई नौयतें होती हैं, एक नौयत ये होती है काम की कि आदमी एक आलिम दीन, आदमी से मुराद एक आलिम दीन, ख़ुद ही एक 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 मौजू तरतीब दे, ख़ुद ही अनोखा मौजू,
मतलब अनोखा मौजू इस माने में कि जो है मतलब यानी वो देखे कि जो है किस किन जहत से काम नहीं हुआ है या जो है काम करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि मैं नकल और सरीका और चोरी की बात कर रहा हूँ कि अरबी में है तो अब उसे उर्दू में ढाल दें, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तनव्वो समझिए कि मतलब वो मौजू ही नहीं है आप ले रहे मौजू। ये एक बहुत ही मतलब आला तरीन चीज़ होती है अल्लाह की, ये की तरफ से बहुत जो है मतलब अजीम दैन होता है। ये बहुत तौफीक, ख़ास तौफीक इलाही है कि अल्लाह सुबहान व तआला मतलब हमारे दिलो दिमाग में ऐसा कोई मौजू डाल दे जिसमें हम देखेंगे यानी कोई हमसे बाजी नहीं मारा है, कोई हमसे आगे नहीं है। अल्लाह ताला ने इसमें हमको पहल की तौफीक अता फ़रमाई है, हम इस मौजू पे मुतकद्दिम हैं। इसके बाद चाहे कोई नकद करे, कोई उसमें 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 इख्तिसार से काम करा दे, कोई उसकी शराह कर दे, कोई उसकी कुछ और कर दे, लेकिन जो है मुतकद्दिम वो रहेगा। ये बहुत अजीम शान चीज़ होती है। अगर आप देखें हमारे यानी ख़ासकर हुकूमत सऊदीया की अगर हम बात करते हैं, और हुकूमत सऊदीया की दोनों दोनों जहत से, चाहे उसके जो जामियात हैं या वहाँ के पैदावार, वहाँ के जो उलमा हैं, दोनों में हमने ये चीज़ महसूस की है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद फजीलत अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ कि जामिया इस्लामिया हो या जामिया इमाम मोहम्मद बिन सऊद हो, वहाँ वहाँ जो काम कराया जाता है हम देखते हैं कि मतलब अल्लाहु अकबर यानी हर जहत से काम कराया जाता है। हालाँकि वहाँ जो मजिस्टर और डॉक्टोरा के जो रिसाले होते हैं वो सिर्फ मौजू कि क्या मौजू है उस पर दो से तीन तीन मुजल्लदात पे किताब आई है, समझ रहे हैं आप, यानी सिर्फ इतनी ज़खीम किताब दो जिल्दों में, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन मेरे अंदाज़ से 300-400 सफ़ेद पर किताब होगी, एक एक जिल्द सिर्फ मौजूआत क्या क्या हो सकते हैं। अल्लाह अकबर कितने मौजूआत पे काम कराया गया है, फिर उस एक मौजू को लेकर के कितने उसके अज्जा बन सकते हैं, कितने अज्जा पे काम कराया जा सकता है। उन्होंने सोचने का एक रुख दिया उन्होंने और अमली तौर पर किया माशाल्लाह। उलमाए सऊदीया की जो किताबें रोज़ाना छप रही हैं, एक बड़े बाजार में हम जाते हैं, किताबों की दुकान में हम जाते हैं तो वाकई दिल से दुआ निकलती है कि माशाल्लाह कितने 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 मतलब जहद से काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत अहम चीज़ है, उसके लिए हाँ मेहनत दरकार है, बहुत मेहनत दरकार है। तो ये चीज़ सबसे अहम होती है। तो मैं ये हम बतलाना चाह रहा था कि पहली चीज़ कि जामिया इस्लामिया के बिलखसूस जो दुक्तूरा के जो रसाइल होते हैं बिलखसूस हमारे पास भी कुछ है अल्लाह के फजल करम से। आप देखिए मुकदमे में साफ़ तौर पर ये बात लिखी हुई रहती है कि मैंने ये मौजू इसलिए इख्तियार किया है कि इस मौजू पर मुझे किसी और का लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, तलाश बिस्यार के बावजूद भी मेरे इल्म में नहीं है कि किसी और ने भी ये बात लिखी इस मौजू से मुतालिक लिखा हो, मुझे नहीं मालूम है। हाँ एक एक शिक उनकी ये भी होती है, एक बात वो ये भी लिखते हैं कि अलबत्ता इस मौजू से मुतालिक इसके मिले जुले मौजूआत किस किस के हैं, किस किस के रसाइल हैं जिससे हमने इस्तेफादा किया है, लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि मैं जो मौजू लिया हूँ हु बहू वो मौजू नहीं है। अगर आप देखेंगे, देखा है आपने, महसूस किया आपने, इस नुक्ते को लिखते हैं वो कि मैंने ये मौजू इसलिए इंतखाब किया है कि इससे कबल किसी और ने इस मौजू पर नहीं लिखा है। कि कब की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं तकरीबन 1400 साल की बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, यानी 1400 साल की तारीख में उस बाहिस को, उस तालिबे इल्म को कोई ऐसा रिसाला नहीं मिला जो उस एक जुज पर मुफस्सल मालूमात पहुँचाए, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। तो एक ये मौजू आना दिल में अल्लाह की तरफ से एक तौफीक है, हो सकता है उनको किसी मौजू उनके साहब ने, उनके दोस्त ने दी हो, उनके उस मुशरफ ने दी हो, खुद उन्हीं के दिल में, लेकिन एक नया मौजू ये सबसे अनोखी चीज़ होती है, ये बहुत ही अहम चीज़, ये एक अल्लाह की तरफ से ख़ास तौफीक होती है, ये इन्हीं अल्लाह सुबहान व तआला चुन करके देता है किसी को, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कदीम ज़माने में आप देखें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के सिलसिले में हम पढ़ते हैं और अहले इल्म उनके सिलसिले ख़ास तौर पर लिखते हैं कि अहादीस की किताबें तो काफ़ी थीं लेकिन सिर्फ सेहत पर मबनी अहादीस को एक किताबी शक्ल में देना, समझ रहे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को वो अव्वलियत हासिल है। सही बुखारी लिखने के असबाब क्या हैं, एक से तीन बतलाए जाते हैं, लेकिन उस पर काम जो किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने आपको अव्वलियत हासिल है। सही मुस्लिम, सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, हाफिज़ इब्न खुज़ैमा, हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह उस मेयार पर तो नहीं उतरे, लेकिन आपने एक कोशिश की कि सही पर लिखने के सिलसिले में, समझ रहे हैं आप। तो आप देख अल अहादीस अल मुख्तारा ज़िया अल मक़दिसी रहमतुल्लाह की उन्होंने कोशिश की, हालांकि उसमें ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, लेकिन आपने कोशिश की कि सही अहादीस का मजमुआ हो। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने उस पर इस्तदराक किया, आपने अल इस्तदराक के नाम पर एक नया काम आपने शुरू किया, उम्मत को एक रुख दिया आपने काम करने का। ज़वाइद पर किताबें लिखी गई, सबसे पहले जिस आलिम दीन ने ज़वाइद पर किताबें लिखी उन्होंने एक रुख दिया कि ज़वाइद भी एक मौजू बन सकता है। मजमू ज़वाइद इतनी बड़ी किताब है लेकिन उसके बाद आई,
तो ये एक सोचने का एक रुख दिया आपने, फिर देखिए कि तरह तरह से काम, तरह तरह से अहले इल्म ने काम किया। तो ये एक जो अव्वलियत जो हासिल होती है, ये बहुत ही अजीम चीज़, बहुत अजीम चीज़, जिसने भी जिस मौजू से मुतालिक भी, अव्वलियत जिसको बोलते हैं कि इस मौजू से मुतालिक सबसे पहले आपने काम किया, फिर दीगर लोगों ने काम किया। अस्बाबुन नुज़ूल बयान करना, ये तफासिर में बयान करते हैं, लेकिन मुस्तकिल उस पर रिसाला लिखना, जिसने सबसे पहले लिखा उसने गोया के सोचने का एक मौका दिया, एक रुख दिया किसी को। मुस्तलाहुल हदीस, इमाम शाफी से मुतालिक हम जानते हैं कि आपने आपने ज़िमनन गुफ्तगू की। इमाम तिरमीज़ी रहमतुल्लाह ने ज़िमनी गुफ्तगू की। सुनन तिरमीज़ी, अलजामे तिरमीज़ी, उसूल हदीस की तो किताब नहीं है, लेकिन आपने फैला के लिखा और उसूल हदीस से मुतालिक एक बेहतरीन आपने मतलब इफ़ाम तफ़हीम से काम लिया उसमें, लेकिन वो मुस्तकिल रिसाला नहीं है। इमाम राम हुज़ूर हुरमुज़ी रहमतुल्लाह से मुतालिक हम जानते हैं कि आपने सबसे पहले एक सोचने का एक रुख दिया कि जो इस मौजू से मुतालिक एक रिसाला होना चाहिए, उसमें जितने भी अयूब बन सकते हैं, जितने भी उसमें खलल हो सकता है, सब अपनी जगह पर, लेकिन अल्फ़ज़लु लिल्मुतक़द्दिम। ये एक मैं फैला के नहीं बतला सकता, मैं आपको इसमें बिज़्निल्लाहि ताला हम एक मुस्तकिल हम इसमें गुफ्तगू कर सकते हैं, इसमें इसमें किस किस तरह से काम हुआ है। तो कोई भी मामला हो, ये एक अहम चीज़ होती है, बहुत अहम चीज़ होती है, ये अल्लाह की तरफ से ख़ास तौफीक। लेकिन इसके बाद के जो काम होते हैं वो कदरे हल्के हैं, लेकिन काम के वो भी मतलब मुस्तकिल ज़राए हैं। मैं उमूमी तौर पर मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं तहरीर की बात कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह तकरीर से मुतालिक भी एक दो निकात आपके सामने रखूँगा। एक और मौजू पर जिस पर हम काम कर सकते हैं या उलमा ने काम किया है, वो ये है, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि कुछ मुतून होते हैं उसकी शरह की जा सकती है, गरीब अल्फाज की शरह हो या कहीं इबहाम हो, उसको आप जो है मतलब उसको दूर कर सकते हैं। तो ये भी एक मुस्तकिल मौजू है जिस पर अहले इल्म को अल्लाह सुबहान व ताला ने उसके भी मौके दिया। सिर्फ एक सही बुखारी की अगर बात करते हैं, उसकी कितनी शुरुआत हो, मुमकिन है एक शरह दूसरी शरह से मतलब कुछ मुख्तलिफ हो। अभी मेरे पास जो है व्हाट्सअप पर एक फ़ोटो आई थी, किस कदर सही है उसका मुझे इल्म नहीं है, यानी सऊदीया में जो है मतलब कोई साहब हैं, अबू सुफान वगैरह कुछ नाम है उनका, उन्होंने वो फ़ोटो जो है मुझे भेजी थी उन्होंने, तो उसकी सेहत का मुझे इल्म नहीं है कि वो किस हद तक बात सही है। लेकिन ये जो हमारा जो मकतबा देख रहे हैं इस तरफ का, गोया का एक बड़ा जो है मतलब तवील मकतबा है, और उसमें उन्होंने उसकी फ़ोटो ली, फ़ोटो लेकर के नीचे लिखा कि ये जितनी किताबें सिर्फ सही बुखारी की शुरुआत है, सिर्फ सही बुखारी की शुरुआत, और इसमें कोई बईद नहीं है कि सही बुखारी की शुरुआत उतने, लेकिन वो उतने जमा करके वो किसने रखे हैं, वो फ़ोटो सही है उसका मुझे इल्म नहीं है। सही बुखारी की शुरुआत तो हैं ऐसे, और वो अरबी ज़ुबान में थी, अगर उर्दू का मिला लेंगे तो उससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जो सही बुखारी के शुरुआत हैं, आप देखें कि कुछ में कुछ बातें बिल्कुल मुश्तरक हो सकती हैं, लेकिन कुछ तो बात जो अलग अलग भी हो सकती हैं, तरतीब अलग होगी या बयान करने का अंदाज़ अलग होगा या मसलकी तौर पर शारह का जो अंदाज़ होता है वो चीज़ गालिब हो सकती है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ऐसे हम किसी से मुस्तगनी नहीं हो सकते। अगर कोई मान लीजिए कि खालिस अशारी हैं, वो सही बुखारी की शरह करने बैठे, तो अशारियत तो बहरहाल ज़ाहिर बात है गालिब रहेगी। कोई मवालिक है, मालिकिया में से हैं, कोई उलमा शाफिया में से हैं, अब देखिए अहनाफ ने भी शरा की है, तो यकीनन वो अपना रंग दिखाएंगे उन मौजूआत पर जहां वो अपनी गुफ्तगू करेंगे, तो उससे हम कुछ तो फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब किसी खास मसले में गुफ्तगू करना हो तो। लेकिन ये शुरुआत एक मुस्तकिल एक मौजू, इसीलिए जो किताब उम्मत में मकबूल रही है अहले इल्म ने फ़ौरन लपका उसकी शरह करने के लिए, इसलिए कि जब मुतून आम हो जाते हैं तो मुतून से कोई खेल सकता है। तो अहले इल्म ने उम्मत की खैर खाई की वजह से जो है उसकी शरह की कि इसका क्या माना, क्या मकसूद, इस सिलसिले में जो है मज़ीद बातें जो हो सकती हैं वो। तो ये एक तरह से अल्लाह सुबहान व ताला ने ये भी एक मामला रखा है। आप देखिए दौरे हाजिर में रियाज़ुस सालिहीन हो या जो है अरबाइन नवविया हो, बिलखसूस हदीस की किताबों की अगर बात करते हैं, तो इनकी आज भी शुरुआत चल रही हैं। इनकी शुरुआत को जमा कर दिया जाए तो फिर एक बहुत ही मतलब इन्हीं काफ़ी जगह चाहिए उसको उनको रखने के लिए, इतनी काफ़ी शुरुआत जो है इसकी हो रही है। तो ये भी एक मौजू है कि गरीब अल्फाज की शरह हो। आप देखिए अन्निहाया फ़ी गरीब अलहदीथ वाल असर, हदीस की शरह है वो नहीं, लेकिन हदीस अहादीस में जो गरीब अल्फाज आते हैं उनकी शरह आपने कर दी, मुस्तकिल एक तसनीफ बन गई वो, लेकिन वो उस मौजू से मुतालिक या उस तरह का उस तरह की जो तहरीरें होती हैं आपने उसके लिए एक रुख दिया उम्मत को कि इस तरह से भी काम किया जाना चाहिए। कदीम ज़माने में यानी खतीब इमाम ख़त्ताबी रहमतुल्लाह वगैरह ने जो गरीब अलहदीस पर काम किया, अबू उबैद अल-क़ासिम बिन सलाम रहमतुल्लाह ने काम किया, तो ये एक तरह से ये भी एक काम है, चाहे वो लफ्ज़ों की शरह हो, चाहे वो अल्फाज की शरह हो, चाहे वो पूरे अहादीस की शरह हो। एक काम ये भी हो सकता है, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें आपको, चाहे आप ऐसे कीजिए कि एक मौजू इंतखाब कीजिए उसके लिए काम करें, एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप मखसूस तौर पर किसी एक हदीस को लें और आप उसकी शरह करें,
ऐसी भी हो सकता है कोई एक आयत लें जिसके ताल्लुक से आप उसकी तफसीर बयान करें, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कई अहादीस हैं जो इंशाल्लाह जब हम उसके लिए बैठक करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किन किन अहादीस की शरह की तफसीली तौर पर कि उस एक हदीस को बुनियाद बना करके आप मुस्तकिल मकाला लिखें, ऐसे हो सकता है। तो एक तीसरी बात जो ख़ासकर कलम की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अहले इल्म ने ये भी एक मौजू इख्तियार किया है काम करने का, यानी ये भी एक नौयत है काम करने की कि जो किताबें मुफस्सल हैं उसे मुख्तसर बयान किया जाए। ये भी एक मौजू है। ख़ुद सही बुखारी को देखें आप, उसकी इफादियत और वो पूरी किताब अपने आप में किस कदर अजीम है, लेकिन देखिए इस्तिफादे की वजह से, इस्तिफादे की गर्ज से कि जो अहादीस मुकर्रर हैं उन्हीं उनकी तकरार को निकाल करके मुख्तसरात बयान की गई। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी हमारे इस ज़माने में किया, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह का काम कुछ कुछ उसमें अलग नौयत है। लेकिन शेख साद अशथरी रहमतुल्लाह हाफिज़हुल्लाह ने जो काम किया है उनके अपने कौल के मुताबिक जो है वो सबसे अनोखी है। यकीनन जो अगर आप खोल के देखेंगे तो वो इस्तिफादे के अतबार से सबसे मुफीद है। वो उन्होंने जो सही बुखारी की जो इख्तिसार किया है, ऐसे सही बुखारी के इख्तिसार। अब जब इख्तिसारात होते हैं मुख्तसर किया जाता है तो फिर उसकी शरह अलग की जाती है। अब सही बुखारी की जो शरह जो जो मुख्तसर किया गया है जैसे अल्लामा ज़ुबैदी रहमतुल्लाह ने कदीम ज़माने में किया था, नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान रहमतुल्लाह ने उसकी शरह की सही बुखारी की सिर्फ उन्हीं अहादीस की जो मुख्तसरात में से। तो ये भी एक चीज़ है। अभी लिसानुल अरब देखिए आप, लिसानुल अरब उसकी जो मुसन्निफ़ है मोहम्मद इब्न मुकर्रम इब्न मंजूर रहमतुल्लाह 702 हिजरी सन वफ़ात हैं, उनकी सवाने हयात पढ़ के देखिए उनके बारे में ये मशहूर है कि वो मुतवलात में मुख्तसरात की महारत रखते थे। उनका काम ही यही था कि जो किताब मुफस्सल है मुतवल है उसे मुख्तसर बयान कर दें, उनका अपना एक नहज। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अपने आप में खुद एक मुसन्निफ़, सियर आलम नुबला आपने देखिए इस ढंग से भी काम किया कि आपने मुस्तकिल एक अनोखा काम किया, आपने कोई उसका साबिक नहीं है उस ढंग से काम करने का जो इमाम ज़हबी ने सियर आलम नुबला में किया है। तारीख़ुल इस्लाम के लिए कोई साबिक हो सकते हैं, अलकामिल फ़ी तारीख़ है यानी इब्न असर अल जज़री रहमतुल्लाह की, या तारीख़ तबरी है, लेकिन सियर आलम नुबला। लेकिन आप देखो अपनी इस तरह की अनोखी अनोखी तालीफ़ात आप रखते हैं, तस्करतुल हुफ़ाज़ आपकी तसनीफ़ हैं, इन सब के बावजूद आपने वो भी काम किया। आप देखो यानी जो किताबुल मौज़ूआत हैं इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह की आपने उसकी तलखीज़ की, आपने उसे मुख्तसर करके पेश किया, आपने मुलख़्स पेश किया उसका। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की मिनहाजुस सुन्ना नबविया कितनी अज़ीम किताब है, लेकिन आप देखो अलमुंतका के नाम से उसकी तलखीज़ पेश की आपने इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने। तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने उसके तलखीसात, ये भी एक अहम चीज़ है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने असनुल कुबरा लिखा आपने, अमीर मक्का ने आपसे जो बात कही कि इतनी मुफस्सल किताब आम आदमी कैसे उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, आपने उसे मुख्तसर कर दिया, वो कुतुबी सित्ता में शुमार हो गई, असनुल सुगरा अलमुशतबा। तो ये भी एक मुस्तकिल एक फ़न है कि आप उसे मुख्तसर करें, ये भी एक नहायत अजीम काम होता है, नहायत अजीम काम, क्योंकि हर एक का तबका अलग अलग है, हर एक का मुस्तवा अलग है। आप देखते हैं कि कोई किताब ऐसी है जो बहुत ही मकबूल तरीन किताब है, बहुत ही अहम किताब है और जो है उम्मत उसे हाथों हाथ ले रही है, लेकिन उसकी तवालत की वजह से हर कोई इसे पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप इसमें काम कीजिए। आप हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह की जो तफसीर है यदि आप देखें, मेरे इल्म के मुताबिक कमोबेश 15 के करीब करीब जो है उलमा ने उसका इख्तिसार अलग अलग ढंग से किया है। हाँ, उस पर भी नक़द हुआ है, किसी ने दुरुस्त किया है, किसी ने जो है हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह के मनहज से हट के जो है इख्तिसार किया है उस पर नक़द कर सकते हैं। लेकिन अभी कल जो शेख अल्बानी रहमतुल्लाह के तिलमीज़ का जो कल इंतकाल हुआ, शेख मोहम्मद इब्न नसर आल मोहम्मद इब्न मूसा आल नसर रहमतुल्लाह तकरीबन 64-65 साल की उम्र में कल इंतकाल हुआ उनका कार हादसे में, तो उन्होंने भी तफसीर इब्न कसीर का जो इख्तिसार किया उन्होंने। तो इख्तिसारात जो एक है ये भी एक मुस्तकिल एक तसनीफ़ का मैदान है, काम की ये भी एक नौयत है। कदीम ज़माने से लेकर के मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, उलमा ने इसे मुस्तकिल जो है अलग से बयान करके रखा है। ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सही बुखारी देख लीजिए आप, जो अहादीस तिवाल हम जिन्हें कहते हैं, अभी कल जो हम किताब शहादात में जो कल हदीस पढ़ने जा रहे हैं किताब शहादात की, वो अहादीस तिवाल में शुमार होती, कितनी तवील हदीस है देखा आपने अभी जो कल हम हदीस पढ़ने जा रहे हैं, कितनी तवील हदीस है वो। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह देखो जैसे हदीस हिरक्ल हैं, इतनी तवील हदीस है किताबुल जिहाद में आपने उसे दो सत्रों में बयान किया आपने। इख्तिसारुल हदीस इमाम बुखारी का एक ख़ास मौक़िफ़ है रहमतुल्लाह, अहले इल्म बयान करते हैं उसको। तो किसी चीज़ को इख्तिसार से बयान करना ये भी मुस्तकिल एक फ़न है। मान लीजिए किसी ने एक आधे घंटे का दर्स दिया, आप बोलेंगे भाई इसको आप 5 मिनट में बयान करो, वो भी एक इख्तिसार है, आप उसका खुलासा पेश कर रहे हैं,
निकात की शक्ल में आप उसके सामने रख रहे हैं, ये बहुत अहम चीज़ होती है। तो ये भी एक मुस्तकिल जो है नौयत है काम करने की। एक और नौयत है काम करने की, वो ये है कि आप ततिम्मा, बकाया जो नक्स है आप उसको उसका इतमाम करें, आप उसको इकमाल करें, मुकम्मल करें आप उसको। आप देखो हमारे पास एक अजीम किताब है, बहुत मारूफ किताब है, पूरी दुनिया जानती है, जलालैन। एक साहब ने काम किया था, आधा काम एक और साहब ने किया, चूंकि नाम एक था तो जलालैन के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उसी नहज पे आपने काम को मुकम्मल किया। तबकातुल हनाबिला हमारे पास किताब मौजूद है, आप देखो हमारे पास उसके ज़ैल के साथ बस उसका जो बकाया उसका जो ततिम्मा है आपने लिखा। अज़वाउल बयान हमारे पास छपती है, शेख मोहम्मद अमीन शनकीती रहमतुल्लाह की किताब है, लेकिन देखो आप उनके शागिर्द रशीद शेख आतिया सालिम उसका ततिम्मा लिखा उसी अंदाज में। उसका ये क्या उन्होंने तज़किरतुल हफ्फाज़ इमाम ज़हबी के हमारे पास मौजूद है, तीन चार उलमा ने उसका ततिम्मा लिखा, उसके पास ज़ैल लिखा, देखो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक नौयत है काम की, ये भी एक नौयत है काम की। उसमें जिस पर आप काम कर रहे हैं उनका नहज और उनका ज़ौक, उनका उसलूब, सब कुछ पीना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा, और फिर उसके साथ उसी तरह का कलम चलाना पड़ेगा। ये बहुत महारत का काम है, लेकिन वो भी एक नौयत है काम की। ये समझ में आ गया आपको। एक और नौयत काम की वो ये है कि आप किसी पर इल्मी नकद करें, किसी फ़िक्र पर, किसी किताब पर, किसी शख्सियत पर, किसी तहरीक पर आप इल्मी नकद करें, वो भी मुस्तकिल एक काम। यानी किसी ने किताब लिख दी, उस किताब में फिक्री इनहिराफ है, आप उस पर इल्मी नकद कीजिए आप। तो किसी किताब पे काम करना, किसी शख्सियत पे काम करना, ये भी मुस्तकिल एक काम। मतवाजे हो गया आपको। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह के अल-मुस्तदरक अल-सही है, ज़ाती तसनीफ नहीं है, यानी ज़ाती तसनीफ मुस्तकिल इस तसनीफ इस माने में नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एक मौजू लेके बैठा हो, आपने सही है इनको सामने रख करके आपके अंदर वो काम का एक मामला सामने आया। बात वाजी हो गया आपको। गोया कि एक इल्मी नकद, गोया कि वो एक इल्मी नकद है। तो ये भी मुस्तकिल एक काम है कि आप किसी की फिक्र पर, देखो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की एक मारूफ किताब मिनहाजुस सुन्ना नबविया, वो आपने इस्तिख़लालन लिखा, आपने इस्तिख़लालन लिखा इस किताब को? नहीं। एक शिया ने किताब लिखी, आपने उसके जवाब में वो किताब लिखी, लेकिन वो मुस्तकिल एक अजीम किताब सामने आ गई। तो कोई एक इल्मी नकद, ये भी एक काम की एक नौयत है। जैसे हम एक जायज़ा लेते हैं, चाहे अरबी किताबों में हो, उर्दू किताबों में हो, किसी की फ़िक्र हो, किसी की शख्सियत हो जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए मुजीर है, कोई फ़िक्र, कोई तहरीर, तो आप उसको लेकर के आप उस पर किताब लिखते हैं, उस पर आपकी तहरीर होती है, या उस पर आपका एक दर्स होता है। बात वाजी हो रही है आपको। तो ये भी काम की एक नौयत है। अगर आप जो है एक सरसरी जायज़ा लें मुतून में, शुरुआत में, और जो है मतलब अकीदे की किताबों में, अगर आप पूरा एक जायज़ा लें मकतबे का, तो आपको इस नौयत की आपको बेशुमार किताबें मिल जाएंगी। यानी कोई तालिबे इल्म अपना रिसाला इस पर भी कर सकता है कि यानी फिक्री नकद पर लिखी गई किताबों को आप जमा कर सकते हैं। ये भी एक काम हो सकता है ताकि लोगों को मालूम हो क्या हुआ है। एक तालिबे इल्म इस पर भी काम कर सकता है कि जो किताबें ततिम्मे के तौर पर लिखी गई वो कौन कौन सी, तफसीर में कौन सी, मुतून में कौन सी, शुरुआत में कौन सी, इसमें कौन सी, गोया कि वो भी एक मुस्तकिल काम बन गया, वो भी मुस्तकिल एक सराहत का काम। सुभान अल्लाह। ये भी एक तरह का काम है, यानी फहारिस बनाना, फहारिस बनाना। कशफुज़ुनून क्या है? कोई मुस्तकिल तसनीफ है? नहीं, आपने सिर्फ फहरिस्त तैयार किया आपने, और वो एक मर्जी की हैसियत बन गई वो किताब। अल्लाहु अकबर। अल-फहरिस्त इब्न नदीम रहमतुल्लाह के, आप चौथी सदी हिजरी के आलिम दीन, आपने मुस्तकिल कोई तसनीफी काम किया है? इब्न नदीम रहमतुल्लाह की सीरत पढ़ के देखो, मैं सीरत की बात कर रहा हूँ, इब्न नदीम रहमतुल्लाह की। अहले इल्म कहते हैं कि आपकी किताब दुनिया में इतनी मशहूर, लेकिन शख्सियत उतनी ही गुमनाम, उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दो तीन सतरें एक सफ़ा कोई लिख दिया तो उनके बारे में बहुत हो गया। इब्न नदीम के बारे में रहमतुल्लाह, आपने कोई मुस्तकिल तसनीफ की? नहीं। आपने सिर्फ किस मौजू पर कितनी किताबें लिखी गई, कौन मुसन्निफ़ है, आपने उसे सिर्फ जमा किया, वो एक मुस्तकिल तसनीफ बन गई, और दुनिया में इसकी शोहरत उसकी बुनियाद पर कितने फैसले होते हैं मालूम। अबुल हसन अल-अशआरी रहमतुल्लाह, उनका जो अकीदा है आखिरी दिनों में अहले सुन्नत का, उन्होंने अकीदा इख्तियार किया, तो कदीम हवाले जो मिलते हैं वो इब्न नदीम की ही के हवाले मिलते हैं कि इब्न नदीम रहमतुल्लाह ने, यानी अबुल हसन अल-अशआरी रहमतुल्लाह की तसनीफ़ात में इस किताब को शुमार किया कि आप ही की तसनीफ़ है, इसलिए कि अशायरा उसकी नस्बत का इनकार करते हैं कि अबुल हसन अल-अशआरी की तसनीफ़ नहीं है वो। देखिए ना, वो एक किताब कितनी बड़ी बन गई, तारीख़ व तदवीन सुन्ना, तारीख़ व तदवीन क्या है,
تاریخ و تدوین نہیں 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 کیا کتاب ہے وہ، تاریخ و تدوین فی الکتب العقیدہ، فی کتب اس طرح کا ایک عنوان ہے. اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس پر لکھی گئی کتابیں، شیخ عبد القیم البرجسکی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں غالباً انتقال ہوا ان کا، تو یہ ایک مستقل ان کی تصنیف کے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر لکھی گئی کتابوں کی ایک تاریخ، کہ بس سب سے پہلے کس نے لکھی، اس کے بعد کون، اس کے بعد سن وفات کے اعتبار سے، وہ مستقل ایک تصنیف بن گئی آپ کی. تو اس طرح کے فہارس تیار کرنا یہ بھی بہت عظیم چیز. اہل السنہ کی جو تفاسیر ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہیں، اب اس کی ایک فہرست بنا دیجئے، وہ بھی کام ہو جائے گا. اردو دنیا میں اہل السنہ کی کتنی تفاسیر ہیں، بس آپ اس کو جمع کر رہے ہیں، مصنف کا نام اور جو ہے مطلب تفسیر کا نام، آپ کچھ اس کے تعلق سے ضمنی معلومات، وہ ایک مستقل ایک کام کرنے کا، یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے. احادیث متون پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، شروحات کتنی ہیں ایک ایک کتاب کی، اس پر دیکھیں نا، آپ نے دیکھا نا، آپ نے دلیل کے نام سے 2 جلدوں میں کیا کام ہے، وہ صرف آپ نے کام کو بانٹا ہے. مصطلح الحدیث پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، اور جو ہے مطلب رجال پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، پھر رجال سے متعلق 10 موضوعات بنتے ہیں، ہر موضوع پر کتنی کتابیں بنی لکھی گئیں، اس پر آپ نے قیام کیا اور وہ مستقل ایک تصنیف. تو یہ بھی کام کی ایک مستقل ایک نوعیت ہے. دیکھیں کام کی جہت کتنی کتنی بنتی ہے. ایک اور کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ میں جہت بتلا رہا ہوں کام کی، کہ کسی کتاب کی غلطیاں، کسی کتاب میں ہونے والی مطلب جو ہے کسی بھی طرح کی غلطی، فکری غلطی، الفاظ کی غلطی، خاص کر وہ کتابیں جو کتابیں امت میں مقبول ہیں، خاص کر وہ کتابیں. ابھی دیکھو آپ لسان العرب، معروف کتاب لسان العرب کو جو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی، لسان العرب جن کتابوں کو رکھ کے ترتیب دی گئی، جمہرۃ اللغہ، تہذیب اللغہ، الصحاح، یہ سب جو 3-4 کتابیں ہیں انہی کتابوں کو رکھ کر کے لسان العرب ترتیب دی گئی ہے. لیکن لسان العرب کو جو شہرت ملی ہے، جو فوقیت ملی ہے، وہ واضح ہے بالکل. لیکن آپ دیکھیں مستقل رسالہ میرے پاس موجود ہے اس میں المکتبۃ الشاملہ میں، یعنی اور پی ڈی ایف شکل میں بھی، کہ تصحیح لسان العرب موجم المؤلفین ہمارے پاس موجود ہیں، آپ نے دیکھا نا، اس کے بازو میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، دیکھا آپ نے، صرف موجم المؤلفین میں جو اختہ ہیں بس ان کو جمع کیا گیا ہے. بدر المجہود آپ نے دیکھا، سنا بداؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی، کتنی 14 جلدوں میں ہیں. اس میں کتاب السنہ اور جو ہے دیگر مباحث میں وہ خالص ماتوری دی ہیں. اس میں ان کی جو فکری جو غلطیاں ہیں، عقیدے کی جو غلطیاں ہیں، اس کو ایک رسالے میں ترتیب دیا گیا ہے. وہ میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے، انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کو لے کر کے اس میں ضم کر دیا جائے. تو اس کو الگ کیا گیا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ عبد الرحمٰن البراک جو ہے یعنی ابھی انہوں نے جو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے، آپ باوجود ایک عظیم عالم دین، ایک سلفی عالم دین بھی تھے آپ، لیکن ماحول کی وجہ سے جو تأثر آپ نے لیا اور اشعریت جہاں جہاں ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی، بس اس کو واضح کر دیا. وہ خود مستقل ایک کام، وہ الگ سے رسالہ بھی چھپا ہے. وہ شیخ عبد الرحمٰن ابن ناصر السعدی کی جو تفسیر کی جو مقبولیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو شیخ ابھی جو مکے میں رہتے تھے، جن کا انتقال ہوا، پہلے صوفی تھے، کیا نام ہے شیخ، چھوٹی موٹی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، حال ہی میں انتقال ہوا، نو کی زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے، استغفر اللہ العظیم. نہیں، مکے میں رہتے تھے وہ، نہیں مکے میں رہتے تھے اور عربی ہیں، عربی نسل ہیں، صوفی تھے پہلے، بعد میں جو ہے وہ، خیر میں نام آئے گا تو بولوں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے بس اس کی جو چوک ہوئی ہے آپ سے اس میں کی نشاندہی کی گئی، وہ بھی تقریباً 30 سے 40 کے قریب ہے، اس کی فہرست نمبر 1، نمبر 2، یعنی اتنے مواضع جہاں جہاں چوک ہوئی. الرحیق المختوم دنیا کی معروف ترین کتاب، ابھی ایک فوٹو آئی تھی واٹس اپ پر، اتنی ایک کتاب نیچے رکھی گئی، اس کے اوپر اتنی اوپر تک کہا کہ یہ الرحیق المختوم کے مختلف ایڈیشن ہیں، یعنی الگ الگ جگہ سے چھپی ہے، اتنی مقبول ترین کتاب. لیکن دیکھو یعنی اس پر تعلیقات علی الرحیق المختوم اس پر کتاب آئی ہے. جو اس طرح کی مقبول ترین کتابیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو آپ بیان کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کسی اہم کتاب کو لے لیا، دیکھا کہ اس میں جو ان کو وہم ہوا ہے اس وہم کو بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کتاب کافی مقبول ہے. ہم ڈھونڈیں گے تو بہت سارے کام ملیں گے کرنے کے، بہت سارے میادین ملیں گے، ایک دو نہیں. چونکہ ہم نے تنگ دائرہ کر لیا ہے، سوچنے کا انداز ہمارا کچھ الگ ہے، اتنا تنگ ہے، تو ہم بس 2-3 چیزوں پہ رہتے ہیں. کام کے بہت طریقے ہیں.
तो ये तहरीरों के सिलसिले में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। रहा मसला जहाँ तक दुरूस का है, दुरूस के सिलसिले में मुख्तलिफ तरीक़े हैं कि देखो दुरूस का एक तरीक़ा यह होता है कि जैसे हम यानी अकीदे की अगर बात करते हैं तो अकीदे के जो हम दुरूस देते हैं उसमें हम उमूमी तौर पर जो तरीक़ा अपनाते हैं यानी कुछ मामूली कुछ दो तीन मौज़ूआत लेके करते हैं। इसके बजाय देखिए हम ऐसा भी तरीक़ा अपना सकते हैं कि हम दुरूस के लिए अकीदे में किसी किताब को सामने रख लें। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की मुख्तलिफ किताबें हैं, किसी एक किताब को सामने रख लें, उस किताब को हम पढ़ा दें, ये एक नौयत है काम की जिसमें हम मुस्तकिल एक तरह की तरकीज कर सकते हैं। ये एक ढंग है काम करने का। एक और तरीका दुरूस के लिए हम ये भी अपना सकते हैं कि हम एक मौजू इख्तियार कर लें और उस मौजू का पूरा हक अदा करें, काफ़ी मुफस्सल हो सकता है हम 10-15-20 बैठक में हम उस मौजू को लेते हैं, चाहे सीरत का हो, कोई भी मौजू हो, अल ईमान बिल मलाइका है, चाहे तो आप उसे एक घंटे में बयान करो, चाहे तो आप उसे एक एक शेख एक एक उनवान लेकर के आप उसको मुफस्सल पढ़ाइए किसी को। अल ईमान बिल मलाइका, अरकान ईमान आप एक घंटे में भी 6 के 6 भी पढ़ा सकते हैं, आप जो है उसको 6 साल भी लगा सकते हैं और उनमें और काफ़ी मतलब संजीदगी आएगी उम्मत के अंदर जो लोग बैठेंगे पढ़ेंगे इसको। ये भी एक तरीका होता है। जुमा के खुतबे के सिलसिले में अगर हम देखें तो देखिए कि अमूमी तौर पर जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये, जैसे रमज़ान का महीना आ गया तो एक जुमा का खुतबा रमज़ान की फर्जियत पर, फजीलत पर, एक जुमा का खुतबा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर, एक जुमा का खुतबा ज़कात पर, एक जुमा का खुतबा कुछ लैलतुल क़द्र पर, ऐसे में निकल जाता है। उमूमी तो मसाजिद की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पहला शव्वाल का महीना आता है, उसमें से एक आध मौजू शव्वाल से मुतल्लिक़, फिर ज़िलहिज्जा की बात आती है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात और हज की फर्जियत, इसी को हर साल मुहर्रम का महीना आता है, अहले हदीस मस्जिद होती है, पूरे सामीन अहले हदीस के होते हैं, वही हर साल सुनते आ रहे हैं, वही मुहर्रम के बारे में जो हुई यजीदियत और वही जो है मतलब हुसैनियत, वही रद्द पे यही मौजू सफ़र के महीने से मुतालिक एक मौजू, जबकि काफ़ी माहौल बदला हुआ रहता है, फिर भी इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बैक वक्त सारे मसाजिद में वही सफ़र की मनहूसियत के बारे में खुतबे होते रहते हैं। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारी एक मरकज़ी मस्जिद में एक मौजू लेते हैं हम सफ़र के महीने में कि सफ़र का महीना मानूस नहीं है। मेरी एक फ़िक्र से थोप नहीं रहा हूँ, आप जो भी सुन रहे हैं या जो आप बैठे हैं आपको इख्तलाफ की गुंजाइश है, मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ। यानी हम देखते हैं कि अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं या हम मुंबई की बात करते हैं, जितने सलफ़ी मसाजिद हैं क्या सबको बैक वक्त एक उसी मौजू को हर साल पेश करने की ज़रूरत है पिछले 10 सालों से लेकर आज तक भी? ये एक इंसाफ की बात है। ज़ुलहिज्जा का महीना आता है तो क्या पूरे मस्जिद में वही चीज़ की ज़रूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कि हम वाक़ियात को लेते हैं लेकिन हम आते हैं दुरुस्त, हम सुनते हैं ना जुमा के खुतबे बहुत सारे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को आप तनव्वो लाइए, कौन सा उनके अज्जा छोटे हैं वो देखिए, वो भी हम पेश कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। रजब का महीना आता, रबी अव्वल का महीना आता है, मीलादुन्नबी से मुतालिक देखिए आप, यानी आज व्हाट्सअप का ज़माना है, इसमें रुदूद होते जा रहे हैं, बात पहुंचाई जा रही है, 5 मिनट की भी दुरुस आ रहे हैं, उसकी भी क्लिप आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में 1 से 2 खुतबे पूरे सारे मसाजिद में बैक वक्त, वही हमारे सारे सामीन सलफ़ी ही हैं। क्या ये अच्छा होता है कि हम किसी मरकज़ी मस्जिद में ऐसा मौजू लें या किसी जो है मतलब एक बड़ा प्रोग्राम के तहत एक प्रोग कर दें लेकिन सारे मसाजिद में? क्योंकि ऐसे कई मौजूद पर गुफ्तगू की ज़रूरत है, हमारी उम्रें कम हैं, हम कई चीज़ें दे सकते हैं उम्मत को हर साल पिछले 10 साल से लेकर आज तक एक ही मौजू उस सारे मसाजिद में बैक वक्त। क्योंकि मैं खिताब जो कर रहा हूँ मैं आप लोगों से जो मुस्तकबिल में मसाजिद मेंबर हमारे हाथ में है इंशाल्लाह, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हम माजी पे रोने के बजाय मुस्तकबिल में हम एक नए मतलब ढंग से हम काम करें, ये मैं आपके सामने फिक्रा देना चाह रहा हूँ। किसी को हमारी बात से इख्तलाफ हो सकता है जुज़वी तौर पर और मुकम्मल तौर पर भी, लेकिन मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ इसलिए कि मुस्तकबिल में मेंबर हमारे हाथ में आने वाला है इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो है हम यानी काम की जहतें अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, हम सबको सब पे काम करना चाहिए। रजब का महीना आता है, मखसूस तरीके से मुआविया रजन की सीरत शुरू हो जाती है या कभी कभार जो है रजब से मुतालिक, नहीं मतलब ये कि हमने काम गुज़िश्ता साल किया है हमने और वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, दौरे हाजिर की हम बात करते हैं, तो फिर बैक वक्त 10 के 15 मस्जिदों में एक वही होगा 10 साल तक? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, बदलने चाहिए मौजूद, दूसरे अंदाज के खुतबे होने चाहिए। तो ये एक जो है बहुत ही अहम चीज़ है और हम सलफ़ की तरह जो है नए नए मौजूआत में हम गुफ्तगू करें जो सलफ़ ने किया है, जिसे उम्मत को ज़रूरत है
اور امت کو احساس ہو اور غیر مسلمین کو بھی معلوم ہو کہ اسلام ہر موضوع پہ مطلب وافر مقدار میں مواد رکھتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ حکمت کا تقاضا کیا ہے, اسلوب ہمارا اچھا ہو, علمی ہو, اور جو ہے مطلب اس میدان میں ہماری مہارت ہو, موضوع سے متعلق ہماری پکڑ اچھی ہو, ہماری محنت ہو, اور پھر ہمارے جو مخاطب ہیں, ہمارے جو سامعین ہیں وہ اس کے متحمل ہیں نہیں ہیں, یہ سب دیکھنا یقیناً وہ ایک حکمت کا تقاضا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس جنون میں آ کر کے ہم سامعین کون ہیں نہ دیکھیں, کس طرح کا ماحول کو نہ دیکھیں اور ہم وہی چیز کریں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ سامعین بھلے ہی ایسے ہوں, اس کے باوجود بھی ہم ان کے اندر کیسے سنجیدگی لا سکتے ہیں, سوچنے کا انداز ہم بدل سکتے ہیں ان کے اندر. تو بہرحال یہ ایک موضوع تھا, میں کئی دنوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, اور کلاسوں کی اگر ہم بات کریں تو تدریس کے دوران میں آپ لوگوں کو جو مختلف موضوعات جو بتلاتے رہتا ہوں اس سے بھی کافی آپ کا ذہن کھلا ہوگا. یہ ریکارڈنگ کا جو ہے ایسا میرے دل میں کوئی خیال نہیں تھا, حیدرآباد سے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ریکارڈنگ ضرور کیجئے اور ریکارڈ کر کے بھیجیے, تو اس لیے جو ہے مطلب ایک ماحول بنا وہ. ورنہ جو ہے ہماری جذبات کی اگر بات کرتے ہیں تو میں تو آپ کو کلاسوں میں بارہا رکھ چکا ہوں, اور دیکھو یعنی ہمارے علماء نے اس قدر وسیع انداز میں کام کیا ہے. آپ شیخ البانوی کو دیکھو رحمہ اللہ, شیخ ابن العثیمین کو دیکھو رحمہ اللہ, چاہے ان کی تقریر ہوں, تحریریں ہوں, چاہے ان کے دروس ہوں, آپ دیکھو کتنے موضوعات پہ آپ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. یعنی محنت کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. ہم آج کل کی ہم کئی خطبہ کو دیکھتے ہیں, اور ہاں یہ پبلک میں بولی جانے والی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو تجزیہ بتلا رہا ہوں کہ کئی خطبہ, کئی وائزین, میں جو احناف کے بریلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے اپنی کچھ سلفی برادری کی بات کر رہا ہوں, کہ جہاں دروس ہوتے ہیں آخری وقت میں جیسے تیاری کرنا, یا دیکھنا کہ جو ہے اس موضوع پہ نہیں اس موضوع پہ ہم بول لیتے ہیں اس لیے کہ اس پہ بولنے کی مہارت ہے یا یہ موضوع آسان ہے. دیکھیے بات ذمہ داری کی ہے, کس موضوع پہ مجھے میری زبان چلتی ہے, کس موضوع پہ میں آدھا گھنٹہ نکالتا ہوں, کس موضوع پہ میں جو ہے مطلب ہر جگہ ہاں ہاں بول کے چلا جاتا ہوں پروگراموں کے لیے. بات اس کی نہیں ہے, بات عبادت ہے, ذمہ داری کی ہے, بات حالات کے بدلنے کی ہے. اس لیے کہ جو ہے امت نے کافی پیسہ خرچ کر کے ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں, اس کو حق بجانب کرنے کی ہے, تو ایک اندر ہمارے ذمہ داری کا احساس آنا چاہیے کہ اس موضوع سے متعلق ہم تیاری کریں, اس کے سارے عناصر پہ گفتگو ہو, ہر حدیث دیکھیں, کھول کر کے پڑھیں, آیتیں یاد کریں, بیٹھ کے ترتیب دیں, پھر اس کے تعلق سے مختلف تفاسیر پڑھیں, اچھے اچھے نکات لے کر کے آئیں. اور جو ہے مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نئی باتیں نہیں, وہی باتیں جو ہمارے سابق علماء نے کہی ہیں, تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. کیوں ہم صرف احسن البیان دیکھتے ہیں, کیوں ہم صرف تفسیر دیکھتے ہیں یا زیادہ زیادہ تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں, دیگر تفاسیر بھی دیکھیں ہم, اس میں سے بھی بڑے اچھے اچھے نکات ہیں, دیگر شروحات بھی دیکھیں اس سے بھی ہم اکتساب کریں, فائدہ اٹھائیں, اور جو ہے کچھ اور واقعات بھی ہم پڑھنے کے لیے کچھ اور دیکھیں. ہم محنت کریں, ہم مستقبل کے علماء ہیں, ہم کو اچھی محنت کرنی چاہیے. ہم محنت کر کے ہم دیں گے بھی, ہم آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے, اس موضوع سے متعلق بات ہوگی تو لوگوں کو سوچنے کا بھی مطلب انداز بدلے گا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک موضوع ہے شریعت کا, یہ بھی ہماری زندگی کا ایک موضوع ہے, لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں اس موضوع پر, کبھی معلوم نہیں کیا ہم نے اس موضوع پر. تو ہم دے سکتے ہیں ان کو, اور ممکن ہے وہ عنوان سمجھ کے یہ حیران ہو جائیں گے کہ ان کو تو آدھے گھنٹے کا موضوع دیا گیا تھا, اب یہ آدھا گھنٹہ کیسے نکلے گا ان کا. آپ دیجئے کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے لیکن اس تعلق سے باتیں بہت ہیں شریعت میں, کسی اور نشست میں لوگوں کو سوچنے کا ایک موقع ملے گا, معلوم ہوگا کہ شریعت میں کتنی قوت ہے, کتنی وسعت ہے. یہ میں اور آپ کی محنت پر ہے, اللہ کی توفیق سے ہم جتنی محنت کریں گے ہم اتنی عمدہ چیز دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مخلص علماء بنیں, محنتی علماء بنیں, اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کو کوئی اشکال, کوئی سوال فہم و تفہیم کی غرض سے کوئی بات ہو تو پوچھیں, تاکہ کوئی بات دل میں نہ رہ جائے, بجائے اس کی کہ آپ بعد میں بولیں, ابھی بولیں گے تو بات ہو سکتا ہے میں آپ کو جواب دوں, بات ریکارڈ ہو رہی تو محفوظ ہو جائے گی. ایسی کوئی بات ہو تو آپ مجھے بتلائیے ایک 5 منٹ کے آس پاس میں. اس تعلق سے آپ کوئی استفسار, کوئی مزید وضاحت. ترجمے کے سلسلے میں جی کتنی چیزوں کا ترجمہ کرنا چاہیے؟ بعض شروعات جیسے بخاری کا ترجمہ ہے یا کسی بھی چیز کا ترجمہ ہے جی, تو شروعات کو ترجمہ نہیں ہوتا تو اس میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل, یعنی ایک سوال یہ ہے کہ جو تراجم ہم دیکھتے ہیں اردو کا, جو اردو زبان میں جو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں, چاہے اردو زبان میں ہو, انگریزی زبان میں ہو یا دیگر زبانوں میں, جو قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ ہوا ہے, متون کی اگر بات کرتے ہیں, کتب ستہ کے ساتھ ساتھ
ابھی تو ہمارے پڑوسی ملک میں جو کام ہوا ہے ماشاء اللہ، یعنی فائدے کی حد تک بہت کچھ فائدہ ہے اس میں ماشاء اللہ، مسند احمد کا ترجمہ ہوا ہے، مسند حمیدی کا، اور المسند علی صحیحین کا، صحیح ابن حبان کا، صحیح ابن خزیمہ کا، اور جو ہے مسند اسحاق ابن راہوے کا، مسند شافعی کا، یہ سب تراجم تقریباً ہمارے پاس ہی موجود ہیں اور کافی ترجمے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، روزانہ خبر مل رہی ہے کافی. لیکن جو سوال ہے کہ انہیں جو شروحات ہیں جیسے فتح الباری ہے، صحیح مسلم کی شرح ہے امام نووی کی، دیگر بھی شروحات ہیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، جو مشہور میں ان کے نام لے رہا ہوں، تحفۃ الاحوزی ہے، تو ان سارے شروحات کے ترجمے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ترجمہ ترجمے کی حد تک ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور اردو زبان کی حد تک، اردو زبان کی حد تک اتنے فوائد بیان کر دیے جاتے ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کے لیے حاجت ہے، عام مسلمان کے لیے جو عربی زبان نہیں پڑھ سکتا، جو اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، جو عالم دین ہے اس کو اس کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود فتح الباری کھول کر کے پڑھ لے سکتا ہے، ایک عالم دین صحیح مسلم کی شرح کھول کر پڑھ لے سکتے ہیں، انہیں ہر حرف کی ترجمے کی ضرورت نہیں، اور اگر صحیح اور فتح الباری کا کسی نے ترجمہ کر بھی دیا ہے کسی عالم دین نے، تو ایک تو علماء کو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ فتح الباری خود پڑھ لیں گے، عوام کے لیے ایک ضرر ہے اس میں، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، پھر اس کی شرح در شرح کی ضرورت ہے، پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے فتح الباری کے اگر کوئی اردو میں ترجمہ کر دے تو ایک عام متن الناس، ایک عام آدمی کے لیے، یعنی پھر اس کے مطلب مزید 10 جلدوں میں شرح کرنی پڑے گی الگ سے، الگ سے سمجھانے کے لیے، ایک مطلب ایک غیر ضروری کام ہے، نہیں کیا جا سکتا. تقریب و تہذیب ہے، ابھی اس کا بھی ترجمہ کسی نے کر دیا ہے، یہ ایک نادانی ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ ایک مخصوص اصطلاحات ہیں، وہ مخصوص اصطلاحات حافظ ابن حجر کی زبانی ہی سمجھنی ضروری ہیں، اس کو مطلب اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر تطبیق دیں گے کیسے آپ اس کو، پھر تطبیق دینے کے لیے پھر آپ کو پورا فن پڑھنا پڑے گا آپ کو، ایک مطلب ایک گھما پھرا کے پھر آپ کو تقریب و تہذیب اردو عربی ہی میں پھر آپ کو پڑھنی پڑتی ہے آپ کو، اگر آپ فن جان لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو شروحات ہیں ان کے صرف فوائد بیان کیے جاتے ہیں، فوائد سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، اردو زبان میں صرف فوائد، ایسا نہیں ہے کہ مترجم کو دیگر معلومات نہیں ہیں، انہیں سب معلومات ہوتی ہیں ماشاء اللہ ایک مترجم کو، لیکن وہ صرف اتنی ہی چیزیں بیان کرتے ہیں جتنی کہ ایک عام مسلمان کو ضرورت ہے، کچھ چیزیں وہ فنی بھی لکھ دیتے ہیں جہاں بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، ورنہ وہ نہیں لکھتے، تو نہیں دیتے اس میں، لیکن آپ عون المعبود کی اگر بات کریں تو اس لیے کہ وہ عالمی سطح کی کتاب ہے، اس میں جو ہے چوٹی کے علماء سے لے کر کے مبتدین سے لے کر چوٹی کے علماء تک اس سے مستفید ہوتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہر طرح کی گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اب نسخوں کا اختلاف اردو میں لکھ کر کے آپ عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، نہیں فائدہ پہنچا سکتے. ہاں تو اس کے لیے جتنی شرح کی ضرورت ہوتی ہے اردو میں اتنے ہی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، وہ عام متن الناس کے لیے آپ اس طرح کی مطلب کام کریں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وقت ضیاع ہوگا خامہ خواہ کا، اس میں ہم کچھ اور کام عام متن الناس کے لیے الگ سے کر سکتے ہیں. جی اور کوئی بات ہو تو سیر و تاریخ میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک مسئلہ سیر و تاریخ کا ہے، یعنی اگر آپ اہل علم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب سیرت کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں عمومی طور پر علماء نے یا تو مخصوص ایک اصول بنایا کہ ہم اس اصول پر جو آئیں گے ان علماء کے نام لکھیں گے، جیسے ضعفاء کو الگ کیا گیا، ثقات کو الگ کیا گیا، یا دونوں سے متعلق جیسے عالم نبلاء اس کا اپنا نہج ہی الگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ امہات المؤمنین بھی ہیں، بڑے علماء بھی ہیں، اس میں کچھ فساق بھی ہیں، اس میں کچھ صفاق قسم کے بھی لوگ ہیں، اس میں کسرا کا بھی ذکر ہے، اس میں کسرا بادشاہ کا، تو وہ ایک الگ ترتیب شدہ کتاب ہے. سیر میں آپ دیکھیے کہ اس دور میں رہتے ہوئے اگر آپ بنگلور میں رہتے ہیں یا ساؤتھ جنوبی ہند کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں کے وہ علماء جنہوں نے مطلب خوب کام کیا ہے امت مسلمہ کے لیے تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، گاؤں گاؤں جا کر کے اور معتبر علماء رہے ہیں، آپ ان پر کام کیجیے، محنت طلب کام ہے، محنت طلب کام ہے. اگر آپ امام بخاری پر لکھنا چاہتے ہیں تو محنت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کو ایک درجن سے زیادہ کتابیں ہمارے مکتبے میں مل جائیں گے امام بخاری کے اوپر لکھی ہوئی، کچھ مستقل کتابیں، کچھ تصنیفات کے اندر، جیسے اگر آپ دیکھ تذکرۃ الالفاظ میں امام بخاری کا مل جائے گا سب کچھ، اور کچھ مستقل کتابیں بھی ہیں ہمارے پاس، تو آسانی سے آپ کر لے سکتے ہیں. لیکن جب دیکھیں گے کہ اس پر کچھ نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا، یہ ایک محنت طلب کام ہے، تو سیر پر آپ ایسے کام کر سکتے ہیں. مقامی اعتبار سے سیر پر کام کرنا کی ضرورت بھی ہے اور کچھ آسان بھی ہے، آسان بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اس پر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اور ہمارے یعنی ماضی قریب کے کئی علماء ہیں، ان کی کتابیں جو ہے جیسے اس پر کام کر سکتے ہیں آپ، مولانا اسحاق بھٹی ہیں رحمہ اللہ، ان کی کتابوں سے آپ مخصوص انداز میں کام کر سکتے ہیں، جیسے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں جیسے یعنی خدام قرآن،
جو جو برِ صغیر کے معروف خدام قرآن ہیں آپ نے ان کی کتابیں مطلب اس میں انہوں نے ترتیب دی ہیں کہ کون کون قرآن کی تفسیر کی. اس میں آپ اس میں ایک کام یہ کر سکتے ہیں. میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کسی کو بولوں تو آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ سیر پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا اپنا انداز ہے مولانا اسحاق بھٹی کا جو ان کو پڑھیں گے وہ جانیں گے. اس میں آپ نے تفسیر سے متعلق کس کس کی کس کس طرح کی خدمت ہے سب کو آپ نے بیان کر دیا ہے. ابھی اس میں کچھ اس طرح کے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے مکمل قرآن کی تفسیر لکھی, کسی نے کچھ سورتوں کی لکھی, کسی نے مخصوص انداز میں لکھا, اور کسی نے جیسے مولانا اسماعیل شرفی گجران والا ہیں رحمہ اللہ, وہ جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے. وہ غالباً ایک مرتبہ ختم بھی کیا تھا آپ نے. تو مطلب جس نے تفسیر جو ہے مطلب القاء جسے بولتے ہیں نا القاء, مسجد میں بیٹھ کر کے یا جو ہے ایک حلقہ لگا کر کے یا جمعہ کے خطبے میں, اس طرح سے جن علماء نے تفسیر بیان کی ہیں وہ کم از کم ان کی ایک فہرست مل جائے, ان کی ایک فہرست الگ ہو جائے, پھر اس پر ایک کام کیا جائے کہ ان کی تفسیر مطلب ہے یا نہیں ہے موجود ریکارڈنگ سے, مطلب جو ہے تحریر میں آئی ہے نہیں آئی ہے. جن علماء نے تفسیر لکھی ہیں وہ ایک الگ چیز, جنہوں نے اس طرح القاء کر کے جنہوں نے تفسیر دی, میں چاہ رہا تھا کہ اس کو کوئی ترتیب دے کے جمع کرے کہ کون کون ہمارے سلفی علماء جو ہے تفسیر دی ہیں ان کا کیا نہج ہے. اس پر بھی ایک کام ہو سکتا ہے, مطلب ہمارے سلفی علماء کی ایک تاریخ اس زمین میں بھی جمع ہو جائے گی تاریخی طور پر علمی اعتبار سے. کام کے سوچیں گے تو انشاءاللہ ایک بات ریگارڈنگ کی ہم الگ سے بیٹھیں گے تو کام کے مختلف مواقع ملیں گے. آپ کے پاس بھی موقع ہے, آپ کے بعد والے ساتھیوں کے پاس بھی موقع ہے, ہمارے پاس کام کے کئی عناوین ہیں, مطلب سینکڑوں میں جیسے لانا کہ کام کے ہمارے پاس اللہ نے بہت سارے مواقع رکھے ماشاءاللہ. جی مقامی اعتبار سے علماء کی تاریخ یا مقامی سیرت اس کی سخت ضرورت ہے, اس پر آپ کو نہیں ہے, اور بہت اس کے اصول ضوابط الگ ہیں, لیکن ایک نازک ترین کام ہے اور حاجت بہت ہے اس کی. جی شیخ موضوع انتخاب کیسے کریں آپ تو شیخ, مطلب جیسے اکمال کرنا متن کی شروع کرنا تو ویسا بات ہے, تو انتخاب کیسے کریں وہ کون؟ ہاں نہیں وہی آتی ہے بات کہ کام کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جو شرح کی بات آتی ہے تو پھر وہیں سے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے کہ بھائی اس حدیث کے اب میں شرح کروں گا, کیونکہ کام کا ایک طریقہ ہے وہ. پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس موضوع پہ کام نہیں ہوا ہے, اس موضوع پر آپ لکھیں, سمجھے. یہی چیز ہے کہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے مستقل طرح سے, آپ دیکھو متون ہمارے پاس بہت ہیں, صحیح بخاری متن کی کتاب ہے, دلائل النبوہ وہ بھی تو متن کی کتاب ہے, لیکن آپ نے مستقل الگ کام کیا اس پر. تو پہلے آپ یہ کریں کہ اصل متن جمع کرنا ہے تو پھر اس میں الگ سے تنوع لائیں گے, کس طرح کا متن جمع کریں گے. آپ شرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز, اس پر آپ پھر سوچیں گے اس پہ کس طرح کا کام کیا جائے. سیرت سے متعلق آپ دیکھیں گے تو کیا میں سیرت سے متعلق یہ کام کروں کہ اللہ کے رسول کی سیرت لکھوں, یہ بھی ایک موضوع. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا میں وہ حصہ لکھوں صرف اس پر پھیلا کے لکھوں, وہ بھی ایک موضوع. صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق جو چیزیں ضعیف روایت ہیں شیخ البانی نے اس پہ کام کیا وہ ایک مستقل موضوع بن گیا. وہ حافظ ابن کثیر نے اللہ کے رسول کی سیرت پر لکھی, شیخ البانی نے اس پر آ کر کے تخریج کا کام کیا آپ نے, تو دو الگ الگ موضوع بن گئے وہ. تو یہ کام کے طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس میں پھر موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے. کام کی جہت یعنی کم از کم ایک طالب علم کو اتنا معلوم ہو کہ کام کی جہت کہیں ہیں, ایک ہی نہیں ہے کئی طرح کے کام ہیں, اس پہ ہم کریں گے تو پھر اس کے پھر موضوعات بندے جاتے ہیں. اس کے لیے موضوعات پہ نظر بھی ڈالتے رہنا چاہیے کہ علماء نے کیسے کیسے موضوعات پہ کام کیا ہے, اس سے بھی ذہن کھلتا ہے. جی کتابوں کے نہج کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے کتابیں پڑھنا چاہیے اگر اس پہ کام ہو؟ ہاں یہ بھی ایک مستقل ایک کام ہے کہ جیسے آپ یعنی بڑا موضوع ہے گویا کہ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فتح الباری کو کیسے پڑھنا چاہیے, ظاہر بات ہے فتح الباری سے متعلق انہیں دسترس حاصل ہو, ان کا ایک تجربہ ہو, اور وہ کم از کم ایک چند نکات پہ لکھے کہ فتح الباری کا خلاصہ یہ ہے, یعنی یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے, ایک بڑا کام ہے. اگر کوئی ہر کتاب سے متعلق یا بانٹ لے کہ جو معروف تفاسیر ہیں اس کا کوئی دراسہ کرے کہ جو ہے یہ تفسیر بھی یہ بات ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے, اس میں آپ کو یہ سامنے رکھنا چاہیے, یہ بھی نازک ترین کام ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جیسے یعنی کوئی اہم کتاب آپ لے لیے کہ میں اس کتاب کا تعارف کرواؤں گا, اس کتاب کا نہج بتلاؤں گا, یعنی گویا کہ آپ کبھی مصنف مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میرا یہ منہج ہے, کبھی نہیں بتلاتے ہیں, آپ کتاب پڑھ کر کے استخراج کرتے ہیں کہ مصنف کا کیا منہج ہے, اس میں آپ کو اس میں کیا چیزوں کی رعایت کر کے پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک کام ہے, ایک علمی کام ہے اور بہت ہی مفید کام ہے, اور امت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے اس طرح کی کتابوں سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ. تو کچھ ذہن کھلا آپ لوگوں کا اس سلسلے میں؟ جی اس میں ہم مستقل کئی طرح سے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری اس بیٹا کو قبول فرمائے, ہمارے لیے ذخیرہ آخرت میں شمار فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.